dear first class students, how are you all? I hope you all are fine and studying properly, okay? So today is your first maths class. So let's start today's class. Everyone open your books. Yes, quickly. So everyone must have pencil in their hands. Sabke haath mein pencil honi chahiye. Right. सो यहाँ पे पहली चीज़ जो दी गई है वो है रिवीजन. तो यहाँ पे हम आपको रिवाइज कराएंगे जो भी आपने अभी तक पढ़ा. सो पहला क्वेश्चन है टिक राइट ऑन द लार्जर वन, जो बड़ा है उस पर टिक राइट करो एंड कलर द स्मॉलर वन, जो छोटा है उस पर कलर कर दो. सो यहाँ पे मैं तो पेंसिल ली हूँ तो मैं पेंसिल से करूँगी. यू कैन यूज़ क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर्स जो भी आपको मन करे. ओके सो यहाँ पे ये छोटे हैं और ये बड़े हैं, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है. दिस बैट इज़ बिगर एंड दिस बैट इज़ स्मॉलर. तो यहाँ पे क्या करना है, टिक राइट और यहाँ पे क्या करना है, कलर. सो आई एम शेडिंग इट. ओके नेक्स्ट वन, हियर यू कैन सी टू आइसक्रीम कोन्स. आपको दो आइसक्रीम कोन दिख रहे हैं, एक बड़ा है लार्ज साइज, एक छोटा है स्मॉल साइज. तो छोटे वाले को क्या, बड़े वाले को क्या करना है, यहाँ पे आपको टिक राइट और छोटे वाले को क्या करना है, यू हैव टू जस्ट कलर इट राइट. येस नेक्स्ट वन, हियर यू कैन सी टू एलिफेंट्स राइट. तो ये कौन है, ये मम्मा एलिफेंट और ये बेबी एलिफेंट. मम्मा एलिफेंट ऑफकोर्स बड़ी होंगी, लार्ज दिख रही है आपको, तो उन पर क्या करना है, राइट टिक. और ये बेबी एलिफेंट को क्या करना है, इनको कलर कर देना है. ओके यस नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको दो सिस्टर्स दिख रही हैं, मान लो ये बड़ी बहन है और ये छोटी बहन है. तो जो बड़ा है उनको क्या करना है, राइट टिक और जो छोटा है उनको कलर. ओके यस नेक्स्ट वन, हियर यू कैन सी टू पेंसिल्स, वन इज़ लार्जर वन इज़ स्मॉलर. सो जो लार्जर है उस पर क्या करना है, राइट टिक एंड द वन विच इज़ स्मॉल उस पर क्या करना है, कलर राइट यस. नेक्स्ट वन, हियर यू कैन सी टू ट्रीज, आपको दो पेड़ दिख रहे हैं, है ना बच्चों. तो यहाँ पे क्या करना है, जो पेड़ बड़ा है उसको क्या करना है, राइट टिक और जो पेड़ छोटा सा है उसको क्या करना है, यू हैव टू शेड इट. और यू कैन, यहाँ पे चाहो तो आप अपने पेंसिल कलर्स यूज़ कर सकते हो, क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हो, है ना, लीव्स को ग्रीन और जो इसका जो ट्रंक है उसको ब्राउन राइट. यस सो नाउ टर्न द पेज. यस सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे क्या करना है, टिक राइट द थिंग्स विच आर आउटसाइड, जो बाहर है उन पे क्या करना है, टिक राइट और एंड जो आउटसाइड है, आउटसाइड मतलब हाँ जो बाहर है उन पे टिक राइट करना है और क्रॉस टिक करना है जो कहाँ हो, इनसाइड अंदर में. तो हियर यू कैन सी एन एप्पल एंड अ प्लेट. तो यहाँ पे एप्पल इज इनसाइड द प्लेट, सो हियर यू विल डू अ क्रॉस टिक. And here the apple is outside the plate. तो यहाँ पर apple बाहर है ना plate के, so here you will do a right tick. Again यहाँ पर आपको एक बर्तन दिख रहा है, then here you can see a ladle. तो यहाँ पर ये जो है ये इसके बाहर है, बाहर है तो क्या करोगे, right tick. और यहाँ पर तो अंदर है तो यहाँ पर क्या करोगे, cross tick. Right? Again you can see lion and his den. तो यहाँ पर lion is outside his den. So राइट टिक, लायन बाहर है ना और यहाँ पे लायन तो अंदर है तो यहाँ पे क्रॉस टिक. हियर यू कैन सी क्रैडल एंड बेबीज राइट. तो हियर द बेबी इज़ इनसाइड द क्रैडल, बेबी क्रैडल के अंदर है तो यहाँ पे अंदर है तो क्या होगा, क्रॉस टिक राइट. और यहाँ पे बेबी इज़ आउटसाइड द क्रैडल तो यहाँ पे क्या होगा, राइट टिक राइट. यस नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, दो आदमी दिख रहे हैं इस पिक्चर में. आदमी जो है वो कहाँ है, घर के अंदर और यहाँ पे ये तो बाहर घूम रहे हैं. तो जो बाहर घूम रहे हैं उधर क्या होना है, राइट टिक और जो अंदर है उनको क्रॉस टिक. ओके नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे आपको एक बस दिख रही है, कंडक्टर अंकल और ड्राइवर अंकल दिख रहे हैं और अंदर क्या है, बच्चे. और यहाँ पे बच्चे बाहर हैं, ड्राइवर अंदर है. अब आप बताओ बच्चे यहाँ पे क्या हैं, बच्चे चिल्ड्रन आर इनसाइड द बस. ओके एंड हियर चिल्ड्रन आर आउटसाइड द बस. तो जहाँ पे इनसाइड है वहाँ पे क्या करना है, क्रॉस टिक और जहाँ पे आउटसाइड है वहाँ पे क्या करना है, राइट टिक राइट. नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे आपको एक इंक पॉट दिख रहा है और एक इंक पेन दिख रही है.